हेलो स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्लोज पैकिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन अ थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो उसमें टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फ्रॉम अ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हमने टू डायमेंशनल में ये दोनों टाइप्स किए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या क्या था, तो कि ए ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी। उसमें क्या था, एक पार्टिकल, एक स्फीयर है, वो दूसरे चार स्फीयर से कवर होता था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इन हेक्सागोनल टू डायमेंशनल में, हेक्सागोनल में क्या पढ़ा था, तो कि ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी। उसमें वन स्फीयर अटैच विद अदर सिक्स स्फीयर थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या, तो वो कौन सी अरेंजमेंट हुई थी, हेक्सागोनल, ठीक है। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे थ्री डायमेंशनल में। तो थ्री डायमेंशनल में फर्स्ट है हमारा फ्रॉम अ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसा हमने टू डायमेंशनल में किया था वैसा ही, फर्स्ट ए है, उसके ऊपर ए ए ए ए, मतलब टाइप ऑफ जो स्फीयर है उसकी जो अरेंजमेंट है वो उसमें क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारा थ्री डायमेंशनल था। थ्री डायमेंशनल में हम क्या करेंगे, तो कि हमारा जो फर्स्ट लेयर था वो ए ए ए ए टाइप का था, उसके ऊपर जो सेकंड लेयर था वो भी कैसा आएगा, ए ए ए ए टाइप, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप, दोनों जगह पे जो स्फीयर है उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो उसमें टू टाइप्स ऑफ लैटिस हो सकते हैं, फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड सेकंड प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हमारा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड है फ्रॉम अ टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, उसके उसमें टू टाइप्स है। फर्स्ट क्या आएगा, पैकिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर और प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर में क्या आएगा, जैसे ही हम लोग अरेंज करते हैं वैसे ही जो पार्टिकल्स है वो अरेंज हो गए फर्स्ट लेयर में। लेकिन यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है, वॉइड के बारे में। जैसे ही हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर कवर करेंगे तो उसमें टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी टू टाइप्स, तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर के जो वॉइड है, वॉइड मतलब जब स्फीयर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, तो उसमें एम्प्टी स्पेस रह जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, जब हम सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि सेकंड लेयर के थ्रू फर्स्ट लेयर के वॉइड कवर होते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकंड लेयर के थ्रू फर्स्ट लेयर के वॉइड कवर नहीं होते हैं। तो उसमें टू टाइप्स के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फर्स्ट लेयर रखते हैं उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर रखा, ठीक है, तो ऐसे जो फर्स्ट लेयर है उसके तीन स्फीयर के ऊपर सेकंड लेयर का एक स्फीयर आएगा, तो ये चारों स्फीयर से एक वॉइड बनेगा, ठीक है। तो वो वॉइड को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, क्योंकि स्फीयर के जो सेंटर है अगर वो सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें टेट्राहेड्रल जियोमेट्री फॉर्म होती है, ठीक है, उसकी वजह से। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखते हैं, ठीक है, थीके? तो वो सारे वॉइड को कवर नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें दूसरे टाइप के वॉइड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेयर के तीन वॉइड और उसके ऊपर अगर हम सेकंड लेयर रखते हैं तो उसके तीन वॉइड, टोटल सिक्स, सॉरी नॉट वॉइड, स्फीयर, टोटल सिक्स स्फीयर एक दूसरे ऐसे अरेंज होते हैं और उससे जो वॉइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हुआ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और एक बार, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल, ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल और ये सेकंड वाला, लेकिन दोनों जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ऑपोजिट है, ठीक है। तो उसमें जो वॉइड होता है वो वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो हमारे टू टाइप्स के वॉइड फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये जो प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर है ना, उसमें हमें नंबर ऑफ स्फीयर पता चलेंगे, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं वो पता चलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पता चलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्फीयर, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्फीयर हमारे पास n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर सेम एज द नंबर ऑफ स्फीयर, मतलब अगर नंबर ऑफ स्फीयर n है तो
तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2n, मतलब ट्वाइस हो जाएंगे। अगर हमारे पास 4 स्फीयर है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 × 4, मतलब 8 हो जाएंगे, ट्वाइस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अब हमने फर्स्ट लेयर रखा, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखा, अब उसके ऊपर हम थर्ड लेयर रखेंगे, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या? तो कि थर्ड लेयर सेम एज अ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इज डिफरेंट एज अ फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर ए है, उसके ऊपर हमने बी लेयर रखा, सेकंड लेयर रखा, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम लेयर रखते हैं तो वो लेयर किसके जैसा आएगा, फर्स्ट लेयर के जैसा, तो उसमें ए बी टाइप बोलते हैं। तो उसमें क्या आएगा, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कि जो ए बी टाइप है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। और दूसरा क्या है, ए बी सी का मतलब कि फर्स्ट लेयर है, उसकी जो प्लेस है एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे सेकंड लेयर आएगा। सेकंड लेयर की जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे थर्ड लेयर आएगा, लेकिन वो थर्ड लेयर ए के जैसा नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसे हम कौन से टाइप बोलेंगे, ए बी सी टाइप, ठीक है। उसमें कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब कि ए बी सी टाइप में ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे, कवर होंगे, ठीक है। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर में टू टाइप्स, फर्स्ट में कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ए बी टाइप, सेकंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ए बी सी टाइप। अब ये दोनों में ये वाला सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। तो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है। और ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो कि 12 कैसे, तो कि 6 इन सेम लेयर, 3 इन अबव लेयर एंड 3 इन बिलो लेयर, मतलब कि जो वन स्फीयर है उसके एक ही उसके जो अराउंड में सेम फेस में वो सेम लेयर में कितने होंगे, 6, और 3 ऊपर वाले लेयर में होंगे और दूसरे 3 कौन से लेयर में होंगे, नीचे के लेयर में, तो टोटल कितने होंगे, 12। तो इसका दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 12। और एक लास्ट बात, ये सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर है ना, वो किस में हमें मिलता है, तो SCP हेक्सागोनल क्लॉज पे, और ये वाला वो किस में मिलता है, FCC और CCP में। थैंक यू।